स्वागत है आपके अपने चैनल के टू फैंटासी स्पोर्ट्स में। आईसीसी वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ओमेन वर्सेस इंडिया ओमेन, डेट 15 फरवरी 2023, टाइम शाम के 6:30 बजे, मैच नंबर 9। मैच मेन्यू की बात करें तो न्यू लैंड्स केप टाउन साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें, यह एक संतुलित पिच है। इस पिच पर अब तक कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 मैच जीते हैं और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 16 मैच जीते हैं। इस पिच पर औसत स्कोर 150 है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सही फैसला होगा। वेदर रिपोर्ट की बात करें, केप टाउन साउथ अफ्रीका में मौसम बादल छाए रहेंगे। मैच के दिन तापमान 64% आर्द्रता और 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति के साथ लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वही विजिबिलिटी 10 किलोमीटर है। खेल के दौरान वर्षा की 27% संभावना है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू लैंड्स स्कोर रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल मैच 27 खेला गया। बैटिंग फर्स्ट वाले 9 मैच जीते हैं, बॉलिंग फर्स्ट वाले 16 मैच जीते हैं। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 150 है, सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 141 है। हाईएस्ट टोटल 193 है 5 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट टोटल 96 है 10 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट चेस्ट हुआ है 192 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि लोएस्ट डिफेंडेड है 119 3 विकेट के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज ओमेन क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। इंडिया ओमेन क्रिकेट टीम इंजरी की बात करें तो इसका भी अभी तक कोई चोट अपडेट नहीं है। वेस्ट इंडीज ओमेन वर्सेस इंडिया ओमेन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें तो इंडिया ओमेन हाल के मैचों में अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, वे मैच जीतने के प्रबल दावेदार है। वेस्ट इंडीज ओमेन वर्सेस इंडिया ओमेन हेड टू हेड की बात करें तो वेस्ट इंडीज ओमेन 8 मैच जीते हैं, जबकि इंडिया ओमेन 10 मैच जीते हैं। वेस्ट इंडीज ओमेन टीम की बात करें तो लगातार 5 लॉस। हैली मैथ्यूज टीम का कैप्टन है, जो 32 बॉल पर 42 रन की पारी खेले, 17 बॉल पर 15 रन की पारी खेले, 34 बॉल पर 34 रन की पारी खेले, 26 बॉल पर 34 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 29 बॉल पर 34 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में विकेट लेस रहे, अगला 2 मैच में जब 1-1 विकेट निकाले, फिर अगला मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में जब विकेट लेस रहे थे। स्टेफनी टेलर की बात करें तो 15 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 88 बॉल पर 51 रन की पारी खेले, 39 बॉल पर 10 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 16 बॉल पर 8 रन की पारी खेले थे। लगातार 2 मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे, अगला मैच में विकेट लेस रहे, फिर 1 विकेट निकाले थे और आखिरी मैच में जब बॉलिंग नहीं किए थे। सैमन कैंप बैल की बात करें तो 37 बॉल पर 34 रन की पारी खेले, 29 बॉल पर 26 रन की पारी खेले, 1 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 9 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 57 बॉल पर 47 रन की पारी खेले थे। सविका गजनवी की बात करें तो पहला मैच में 3 बॉल पर 2 रन की पारी खेले थे, अगला मैच में 13 बॉल पर 3 रन की पारी खेले, 20 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, 34 बॉल पर 33 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 10 बॉल पर 3 रन की पारी खेले थे। यह लगातार 2 मैच में बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी 3 मैच में यह विकेट लेस रहे थे। चिन्नाल हेनरी की बात करें तो 13 बॉल पर 14 रन की पारी खेले, 19 बॉल पर 23 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 22 बॉल पर 21 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 4 बॉल पर 2 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में यह 2 विकेट निकालें, अगला मैच में 1 विकेट निकालें, फिर अगला 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। चेडियन नेसन की बात करें तो 9 बॉल पर 9 रन नॉट आउट की पारी खेले, अगला 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर अगला मैच में 10 बॉल पर 6 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 30 बॉल पर 9 रन की पारी खेले थे। अफी फ्लेचर की बात करें तो पहला मैच में 5 बॉल पर 10 रन की पारी खेले थे, अगला 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर अगला मैच में 3 बॉल पर 5 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 11 बॉल पर 10 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में यह 1 विकेट निकाले, अगला मैच में बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी 3 मैच में यह विकेट लेस रहे थे। जायदा जेम्स की बात करें तो 2 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 4 रन की पारी खेले, 31 बॉल पर 21 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 5 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 16 बॉल पर 7 रन की पारी खेले थे। यह लगातार 4 मैच में विकेट लेस रहे थे और आखिरी मैच में यह 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। समिलिया कॉर्नेल की बात करें तो लगातार 2 मैच में विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले और आखिरी 2 मैच में जब विकेट लेस रहे थे। रसदा विलियम्स की बात करें तो यह विकेट कीपर है, जो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 10 बॉल पर 5 रन की पारी खेले, 12 बॉल पर 8 रन की पारी खेले, 5 बॉल पर 1 रन की पारी खेले थे और आखिरी मैच में 13 बॉल पर 8 रन की पारी खेले थे। सकेरा सेलमन की बात करें तो पहला मैच में यह विकेट लेस रहे थे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले
फिर विकेट लेस रहे थे, फिर 3 विकेट निकाले और आखिरी मैच में यह विकेट लेस रहे थे। बेंच प्लेयर की बात करें, जेनावा जोसफ है, आलिया अलीन है, करिश्मा रहमान रख है, त्रिशन हॉल्डर है। इंडिया टीम की बात करें तो पहले विन, फिर लॉस और आखिरी में ट्रिपल विन। यास्टिका भाटिया विकेट कीपर है, जो 20 बॉल पर 17 रन की पारी खेले, 12 बॉल पर 10 रन की पारी खेले, 8 बॉल पर 7 रन की पारी खेले और आखिरी 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। शेफाली वर्मा की बात करें तो 25 बॉल पर 33 रन की पारी खेले, 6 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 4 बॉल पर 2 रन की पारी खेले, 11 बॉल पर 15 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 9 बॉल पर 10 रन की पारी खेले थे। पहला मैच में यह विकेट लेस रहे, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे थे और आखिरी 2 मैच में यह 1-1 विकेट निकाले थे अपनी टीम के लिए। जेमिमा रोड्रिगस की बात करें तो 38 बॉल पर 53 रन नॉट आउट की पारी खेले, 27 बॉल पर 41 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 0 रन की पारी खेले, 18 बॉल पर 11 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 39 बॉल पर 42 रन की पारी खेले थे। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो यह टीम का कैप्टन है, जो पहला मैच में 12 बॉल पर 16 रन की पारी खेले, अगला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, फिर 22 बॉल पर 21 रन की पारी खेले, 23 बॉल पर 32 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। रिचा गॉस की बात करें तो विकेट कीपर है, जो 20 बॉल पर 31 रन नॉट आउट की पारी खेले, 56 बॉल पर 91 रन की पारी खेले, 9 बॉल पर 5 रन की पारी खेले थे और आखिरी 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। हरलिन डेऑल की बात करें तो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 11 बॉल पर 10 रन की पारी खेले, 10 बॉल पर 12 रन की पारी खेले, 56 बॉल पर 46 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में 16 बॉल पर 13 रन की पारी खेले थे। दीप्ति शर्मा की बात करें तो लगातार 2 मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 22 बॉल पर 19 रन की पारी खेले, 14 बॉल पर 16 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। लगातार 2 मैच में यह 1-1 विकेट निकाले, अगला मैच में विकेट लेस रहे हैं, फिर 1 विकेट निकाले और आखिरी मैच में यह 3 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। पूजा वस्त्राकर की बात करें तो पहला मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे, अगला मैच में 4 बॉल पर 13 रन की पारी खेले, 9 बॉल पर 9 रन की पारी खेले, 2 बॉल पर 1 रन की पारी खेले और आखिरी मैच में बैटिंग का चांस नहीं आए थे। पहला मैच में या 1 विकेट निकाले, अगला मैच में बॉलिंग नहीं किए, फिर 2 विकेट निकाले, फिर विकेट लेस रहे और आखिरी मैच में या 2 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। राधा यादव की बात करें तो पहला मैच में 2 विकेट निकाले, अगला मैच में 1 विकेट निकाले, फिर 2 विकेट निकाले, अगला मैच में या बॉलिंग नहीं किए थे और आखिरी मैच में या 1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें तो पहला मैच में विकेट लेस रहे और आखिरी 4 मैच में यह 1-1 विकेट निकाले थे अपने टीम के लिए। रेणुका सिंह की बात करें तो लगातार 2 मैच में विकेट लेस रहे थे, फिर अगला मैच में 1 विकेट निकाले और आखिरी 2 मैच में यह विकेट लेस रहे थे। बेंच प्लेयर की बात करें, देविका वैद्या है, सबिनैनी मैघना है, स्मृति वंदना है, अंजलि शेरवानी है, मैघना सिंह है, शिखा पांडे है, स्नेह राणा है। फाइनल टीम की अपडेट आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। टॉस एंड प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। प्लेयर की बात करें तो विकेट कीपर से रिचा गॉस को रखें, बैट्समैन से हरमनप्रीत कौर को रखें, सैमन कैंपबेल को रखें, जेमिमा रोड्रिगस को रखें और शेफाली वर्मा को रखें, ऑलराउंडर से हैली मैथ्यूज को रखें, दीप्ति शर्मा को रखें, चिन्नाल हैंड्री को रखें और पूजा वस्त्राकर को रखें, बॉलिंग से राधा यादव को रखें और एफ ए फ्लेचर को रखें। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन शेफाली वर्मा है और वाइस कैप्टन हैली मैथ्यूज है। टीम प्रीव्यू की बात करें तो कैप्टन शेफाली वर्मा है और वाइस कैप्टन हैली मैथ्यूज है। यह फाइनल टीम नहीं है दोस्तों, फाइनल टीम आफ्टर टॉस के बाद दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है।